हाँ सर, आज मैं बात करूंगा कि मैं शिकागो क्यों आया। शिकागो बेसिकली लास्ट टाइम आया था तो मैं बहुत बीमार हो गया था शिकागो आके, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। इस दफा गर्मियों में आने का मकसद सिर्फ शिकागो आने का ये था कि अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकूं। शिकागो आके सबसे पहले चले जाओ बोट राइड पे, और बोट राइड बेसिकली लेक मिशिगन पे है, और लेक मिशिगन इतनी हसीन है कि मैं तो जब लास्ट टाइम भी आया था तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, लेकिन उस वक्त इतनी ठंड थी कि देख के मैं भीगी बिल्ली बन गया। मैंने कहा नहीं भाई, अपने से बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसी वजह से इस दफा गर्मी का मौका था तो सोचा कि इस दफा लेक को सही तरह एक्सप्लोर करूं। Was perfected in Pennsylvania. The elevator brakes were invented in New York. Those two things combined and allowed us to start building steel framed skyscrapers in the U.S. Alex, where is the tallest building in the world? Designed by a female architect. Chicago. Extra right hand side. Under construction as we वैसे शिकागो आके ना मुझे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी। लास्ट में जब मैं आया था मुझे इतना तेज बुखार था कि मैं कुछ भी सही तरह एंजॉय नहीं कर सका था। तो इस दफा वही सब रोड देख के और वही सब कुछ देख के ना मुझे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील आ रहा था। सोचा इस नॉस्टैल्जिक फीलिंग को ताज़ा करने के लिए हम मिलेनियम पार्क चलते हैं। मिलेनियम पार्क ऐसे तो जाएंगे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शॉट बनाना भी लाजमी है। और ये अंडा है, आई मीन क्लाउड गेट कहते हैं इसे, बहुत मशहूर है शिकागो के अंदर। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगा वो गाना था ना फिल्म का, आवारापन का, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। मुझे वाली फीलिंग आ रही है बेसिकली कि बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। जब मैं लास्ट में यहाँ पे आया था तो शदीद ठंड थी और अभी शदीद गर्मी है, तो हर चीज़ शदीद पे चल रही है ना। मिलेनियम पार्क पहुँचो, और मिलेनियम पार्क पहुँच के आपने अगर यादगारी पिक्चर नहीं खिंचवाई तो समझो टाइम ज़ाया किया। वैसे अगर आपने यहाँ पे आके सेल्फी नहीं खिंचवाई ना, समझो कानूनी जुर्म कर दिया इस शहर में। सेल्फी नहीं खिंचवा तो तस्वीर खिंचवा लो, लेकिन तस्वीर खिंचवाना इस जगह पे ना लाजमी है। अगर यहाँ पे आया और अपने अंडे का तस्वीर नहीं खिंचवाई ना, मैं समझो शिकागो का नाम लेना नहीं कभी, तो शिकागो कभी आया जाता हूँ। ठीक है, मिलेनियम पार्क पहुँचने के बाद चाहो तो कुछ लफाजियाँ भी करो जैसे मैंने की। आप चाहो तो यहाँ पे आके शेव कर सकते हो। मैं कहा था लास्ट टाइम वापस शेव करने आया ना। जब मिलेनियम पार्क गज के घूम लो तो थोड़ी शेव भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे शेव बियर्ड ट्रिम कराना बहुत महंगा है। $9 की बियर्ड ट्रिम होती है, $2 टैक्स लगता है, तकरीबन $11 बन गए, और टिप देनी पड़ेगी तकरीबन $2-3, तकरीबन $15 बन गए। तो उस $15 को सेव करने के लिए मैंने क्या होशियारी की, मैंने कहा बस सिंपल तरीका भाई पैसे बचाने का, वो ये कि सिंपल $2 का रेजर खरीदो, $1 का शेविंग फोम खरीदो और शुरू हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं, शेव मैंने कैसी की, और शेव करके आपका भाई का चिकना लौंडा हो गया। अच्छा जी, मुझे अब जो ना शेव करनी है, यहाँ पे मैंने पूछा है अगर बियर्ड ट्रिम कराता हूँ तो कम से कम मुझे $9 बियर करने हैं प्लस टैक्स, तो तकरीबन तक $11, और फिर टिप भी देनी पड़ेगी तो $15 का तकरीबन नुस्खा है। $15 का मतलब हो गया तकरीबन कोई 2500 रुपये, तो मैं 2500 की मशीन नहीं फिरवा सकता। तो दिस माई फर्स्ट टाइम, मैं आज तक खुद शेव नहीं की, शेव तो मैं करता हूँ नॉर्मली, मशीन फिराता हूँ मैं, तो मुझे अब ना शेव करनी है, तो आप साथ आइएगा मेरे। आई नो मैं बहुत ही कोई छिलावा लग रहा हूँ पर दस ओके, क्योंकि इतनी महंगी शेव और मशीन फैन से बेहतर था तो मैंने कहा खुद शेव कर लो, अभी 3-4 दिन में आ जाएगी तो नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा है ना। अरे बस चिकना लौंडा लग रहा हूँ ना। क्या हुआ पापा को? अब हम बात करते हैं शिकागो में, अगर आपको सही मानों में एक्सप्लोर करना है तो एक चीज़ है डिवी। डिवी बेसिकली एक ऐप है जिसके जरिए आप साइकिल अनलॉक कर सकते हो, और साइकिल चाहो तो शिकागो के रोडों पे घुमा सकते हो। ये सब हरकतें मैंने खुद की, तो डिवी का जो टूर है, हाँ 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 हाँ
रोड पे घूमना और साइकिल चलाना, वो भी शिकागो के रोडों पे, आहा जो मजा है ना वो शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो रच के मजा आएगा ना आपको, अगर आपको मौका मिले और शिकागो कभी जिंदगी में आओ तो लाजमी डिवी जरूर यूज करना। आप डिवी के जरिए आधा घंटा $3 में इंजॉय कर सकते हो, विच इज नॉट बैड। आप आधे घंटे के लिए साइकिल लो, रच के घूमो और घूमने के बाद किसी भी डिवी स्टोर पे पार्क कर दो। भाई अगर शिकागो आ ही गए हो तो डिवी करो, डिवी मतलब साइकिल, और साइकिल पे आधे घंटे के $3 है, तो विच इज अमेजिंग। आप आधे घंटे में शिकागो तो घूम सकते हो और साइकिल पे इंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा अनलॉक हो गई साइकिल, आपके सामने है देखो, तो मैं से निकाल लूँ और निकाल के फिर हम राइड पे चलते हैं, कैसा रस ना। भाइयों बहुत मज़ा आया, ऐसा लग रहा था कैसी नाइस स्टेट बन गया हूँ मैं और मैं रोडों पे घूम रहा हूँ, बस स्केटबोर्ड नहीं साइकिल थी, बट इट इज़ अमेजिंग। आधे घंटे के लिए $3 फॉर टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटिंग, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया आई थिंक सो। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, रोड ऐसे ही चाहो तो घूम लो, यानी मज़ा आएगा, मुझे बहुत मज़ा आया साफ सी बात। सबसे आखिर सबसे काम की बात, अगर आपको देसी खानों का मज़ा चखना है ना, वो भी अमेरिका के अंदर, तो शिकागो इज़ दी बेस्ट प्लेस। शिकागो में एक जगह है डिवॉन, वहाँ पे आपको दुनिया जहाँ की पाकिस्तानी हर चीज़ मिलेगी, चाहे पकौड़ा हो, चाहे गोला गंडा हो, चाहे सेवन अप छालिया हो, चाहे पान हो, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कोकोमो बिस्किट, चॉकलेटो बिस्किट, डालडा कुकिंग ऑयल, शान मसाला सब मिलता है। मैं इत्तेफाक से डिवॉन गया और मैंने वहाँ पे पान खाया, ओहो जो पान का लेवल था, मुझे लिटरली कराची याद आ गया, ओह अमेजिंग। शिकागो में लजीज पान, देख के ना मुझे कराची याद आ गया सीधे से। हाँ हाँ हाँ, साइज चेक करें आप, भाइयों ये था मेरा शिकागो का व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो वीडियो बंद कर देना और दुआ करना मेरे लिए भी और अपने लिए भी। थैंक यू।